Hello guys, welcome to your channel EHS Talk with Ankush, where I'll explain everything about EHS in layman's language. काफी दिनों से मैं वीडियो आपके लिए नहीं बना पा रहा था और अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ और आई होप कि ये जर्नी अभी कंटिन्यू रहेगी. काफी सारे नए टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं और उसके बारे में आपको वीडियोस बना के जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करूंगा. तो यहाँ से ये जर्नी कंटिन्यू शुरू होती है. तो आज का जो टॉपिक्स है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए लेके आऊंगा. काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को EHS में जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो लोग इनोवेट करते हैं, जो लोग वर्क कर रहे हैं, उनके वीडियोस जब मैं देखता हूँ तो मोस्ट ऑफ द EHS कंसल्टेंट या मोस्ट ऑफ द EHS वीडियोस प्रोवाइडर जो लोग हैं वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन सेफ्टीज पे वीडियो बनाते हैं रादर देन प्रोडक्शन रिलेवेंट या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में किस तरीके से काम होता है वहाँ पर वीडियोस की संख्या काफ़ी कम है. तो मैंने यही सोचा है कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की क्या क्या लीगल या स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट होती है, क्या हेल्थ रिक्वायरमेंट होती है, क्या एनवायरमेंट रिलेवेंट कंप्लायंसेस होते हैं, क्या EHS रिलेवेंट कंप्लायंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेरे वीडियो के माध्यम से कवर करने की मैं कोशिश कर पाऊँ. तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और इस बारे में वीडियोस और लोगों को जानकारी काफ़ी कम है. तो इसके लिए स्पेशली ये टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किया है एंड इसको मैंने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया है, जिसके आपको पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में इसके रिलेवेंट वीडियोस मिल जाएंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है OSC रिक्वायरमेंट. व्हाट डू मीन बाय OSC? बेसिकली OSC मीन्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर, जिसका ये पार्ट वन है. सो मैं जब वीडियो बनाता था तो स्पेशली काफी सारे व्यूअर्स की ये रिक्वायरमेंट रहती थी कि वीडियोस जो है वो क्लियर नहीं है, काफ़ी सारे वर्ड्स जो है वो मिसमैच हो रही है, वो क्लियरली विजिबल नहीं है. तो आगे से हम जो भी वीडियोस प्रिपेयर करेंगे वो PPT फॉर्मेट में रहेंगे, ताकि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इजीली स्क्रीनशॉट लेके वो इन्फॉर्मेशन एक्नॉलेज कर सकते हैं. तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं. तो OSC रिक्वायरमेंट आर कैटेगराइज्ड इन थ्री सेक्शन. OSC रिक्वायरमेंट बेसिकली जो है वो थ्री सेक्शन में मैंने कैटेगराइज्ड की है. सेक्शन वन इज OSC रूम एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट. सेक्शन टू में हम देखेंगे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट एंड माफ कीजिएगा दोस्तों, एंड सेक्शन थ्री में देखेंगे हम मेडिकल फैसिलिटी से रिलेवेंट रिक्वायरमेंट. तो चलिए वन बाय वन OSC रूम रिक्वायरमेंट, स्टाफ रिक्वायरमेंट, इमरजेंसी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट एंड मेडिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट इज OSC रूम रिक्वायरमेंट? बेसिकली OSC हम बना तो लेते हैं, बट OSC की डिज़ाइन पैरामीटर्स क्या है, रूम साइजेस क्या है, कितना होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज उसमें होनी चाहिए, ये सारे चीज़ों के बारे में मोस्ट ऑफ द EHS लिसनर को, EHS में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में जानकारी नहीं होती. तो इसका ही ओवरव्यू देने के लिए ये प्रेजेंटेशन स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है. इसमें काफ़ी समय लगा है दोस्तों, ये सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ी, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ी, कलेक्ट करनी पड़ी, तब जाके ये वीडियो आपके लिए मैं बना पा रहा हूँ. तो आई होप कि यू एंजॉय दिस वीडियो और आने वाली सीरीज में भी आप इसके बारे में अच्छे से समझ पाओगे. तो स्टार्ट विथ OSC रूम रिक्वायरमेंट. OSC रूम रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो किसी भी OSC में दो रूम होना अनिवार्य है, जिसका मिनिमम फ्लोर एरिया जो है वो 15 स्क्वायर मीटर होना चाहिए. अगर आपका OSC का रूम 15 स्क्वायर मीटर से कम है तो आप लीगली वॉयलेट कर रहे हो, ये लीगल वॉयलेशंस में, लीगल डेविएशंस में चले जाएगा ये पॉइंट्स. एंड द सेकंड पॉइंट इज फैसिलिटी ऑफ वॉशरूम, बेसिन एंड टॉयलेट्स की वहाँ पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. टॉयलेट्स को तो एक तरफ से कंसिडरेशन कर सकते हैं कि भाई हमारे फैसिलिटीज में ही टॉयलेट्स के लिए कहीं ना कहीं फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो वहाँ जाके एम्प्लॉयज जो है वो सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं या डॉक्टर्स भी वॉशरूम का लाभ ले सकते हैं. बट स्पेशली यहाँ पे जो वॉशरूम या टॉयलेट्स वाली जो रिक्वायरमेंट है वो सैंपल्स पॉइंट ऑफ व्यू है. देन
ओएसएस स्टाफ रिक्वायरमेंट के बारे में भी हम जानेंगे। तो ओएसएस स्टाफ रिक्वायरमेंट में जो है वो डॉक्टर, मेल नर्स, देन ड्रेसर कम कंपाउंडर, वन स्वाइप कम वार्ड बॉय थ्रू आउट द वर्किंग पीरियड होना चाहिए। द रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट फॉर फैक्ट्रीज एंड स्टेट रूल्स। सो बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट है वो स्टेट वाइज वेरी होती है। लाइक केरला की बात की जाए या गुजरात की बात की जाए या महाराष्ट्र की बात की जाए, तो कितने एम्प्लॉयज के पीछे हमें डॉक्टर्स की या मेल नर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, इट मे वेरी स्टेट टू स्टेट। तो ज्यादातर स्टेट्स में 51 से लेके 200 एम्प्लॉयज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको एक मेल फुल टाइम मेल नर्स वहां पर होना जरूरी है, वहां पर होना अनिवार्य है। इन दिस अदर हैंड, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 200 से 500 एम्प्लॉयज के बीच में अगर कोई एम्प्लॉयज काम करते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 200 अप टू 500 तक एम्प्लॉयज अगर काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग योर स्टाफ, इंक्लूडिंग योर कैंटीन एम्प्लॉय, इंक्लूडिंग योर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। तो अगर 500 एम्प्लॉयज के इन बिटवीन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं तो आपको एक फुल टाइम डॉक्टर रखना अनिवार्य है। और अगर 500 के अबाव आपके ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम करते हैं तो वहां पर दो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट मल्टीपल शिफ्ट्स में आ जाती है। आई होप यू हैव क्लियर दिस टॉपिक। देन सेकंड रिक्वायरमेंट, एम्बुलेंस वैन। तो एम्बुलेंस वैन्स की स्पेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है? तो एम्बुलेंस वैन की जो रिक्वायरमेंट है, अगेन ये वेरी होती है स्टेट टू स्टेट। मतलब एम्बुलेंस वैन के लिए स्पेशली अगर आप किसी आपको अगर एम्बुलेंस वैन चाहिए या न्यू परचेज करनी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो पहले तो आपको सुजुकी से या ऐसे किसी वेंडर से बात करनी पड़ेगी जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में वैंस मैन्युफैक्चरर करते हैं। तो स्पेशली हम जाते हैं मारुतिज में। तो मारुति जो है वो एक स्पेशल तरीके की इको वैन वगैरह बनाते हैं जिसी को हम एज अ एम्बुलेंस कंसिडर करते हैं। बट मारुति इटसेल्फ जो है वो आपको वैन देंगे, ना कि एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाइड करके देंगे। तो गवर्नमेंट की और स्टेट के रेगुलेशंस के हिसाब से उस वैन को आपको मॉडिफाइड करना होता है एम्बुलेंस के रिक्वायरमेंट के द्वारा। तो सेकंड टॉपिक इज योर एम्बुलेंस मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। थर्ड थिंग इज व्हील स्ट्रेचर विद फोल्डिंग एंड एडजस्टेबल डिवाइस वहां पर होना चाहिए। मतलब आपके जो स्ट्रेचर है वो फोल्डेबल होना चाहिए विद एडजस्टेड डिवाइस के साथ। देन फोर्थ पॉइंट इज फिक्स सेक्शन यूनिट विथ इक्विपमेंट। जो सेक्शन यूनिट है वो वहां पर होना चाहिए जो कि फिक्स्ड हो। माफ करना दोस्त। देन फिक्स्ड ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर होना चाहिए विद द इक्विपमेंट। अगर हमको पेशेंट को ट्रांसफर करना है और अगर आपका हॉस्पिटल जो है वो 30 मिनट्स दूर पर है, 1 आवर्स दूर पर है, या किसी अदर सिटीज में आपको भेजना है, तो वहाँ पे फिक्स तरीके का ऑक्सीजन सिस्टम सप्लाई विद इक्विपमेंट्स होना चाहिए। और ऑक्सीजन परसेंटेज कितना देना है, हमको डिस्टेंस कितना कवर करना है, ये हम अनदर टॉपिक्स पे जानने की कोशिश करेंगे। देन वहां पर पिलोज होना चाहिए विद द केस शीट, ब्लैंकेट एंड टॉवेल्स। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर बर्न केसेस होते हैं या किसी को ठंड लगती है, तो ऐसे चीजों को, ऐसे केसेस को एड्रेस करने के लिए पिलो विद द केस शीट, ब्लैंकेट, टॉवेल होना चाहिए। देन सेवन पॉइंट इज एम्फेसिस बैग, बेड पैन, यूरिनल और ग्लास। तो जो क्रिटिकल केसेस होती है जहाँ पे एम्प्लॉयज सही ढंग से खुद को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपको एमएसएस बैग, बेड पैन, यूरिनल और ग्लास पाउच वगैरह। बैग, एमएसएस बैग की अगर बात की जाए तो एमएसएस बैग मतलब शिशु को कलेक्ट करने के लिए एक बैग होती है जिसको हम एमएसएस बैग बोलते हैं। देन 8 पॉइंट इज फर्स्ट एड बॉक्स वहां पर होना चाहिए। देन आज के टॉपिक में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है देखते देखते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेवेंट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो लोगों को सेफ्टीज के बारे में और भी जानकारी चाहिए, कंप्लीट ईएचएस के बारे में जानकारी चाहिए, उनको मेरा वीडियो शेयर कीजिए। आई होप कि आने वाले दिनों में आपको काफ़ी सारे
इंटरेस्टिंग वीडियोस हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट से रिलेवेंट टॉपिक्स पर जानने को मिलेंगे आपको बहुत सारे आने वाले दिनों में, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।